पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आयोजित उद्यान समिति की बैठक में चर्चा तो बजट को लेकर हो रही थी, लेकिन आप पार्षद कुलदीप कुमार ने मालियों की बढ़ती हुई गड़बड़ी का मामला जोर शोर से उठाया। कहा कि 50 मालियों की भर्ती की गई है, इसे लेकर स्थायी समिति सदन और यहां तक कि उद्यान समिति से कोई अनुमति नहीं ली गई। इसे लेकर निगम मुख्यालय में चारों ओर चर्चा है कि 1-1 लाख रुपए लेकर भर्ती की गई है। इस प्रकरण की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। कुलदीप ने कहा कि पूर्वी दिल्ली के पार्कों के रखरखाव के लिए मालियों की तो जरूरत है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। इस मामले की फाइल कब समितियों में आई पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा कि मालियों की भर्ती में कितने किन किन और अपने लोगों की भर्ती करा ली गई है इसका पता नहीं चला है। हो सकता है कि महापौर, स्थायी समिति के चेयरमैन और यहां तक कि उद्यान समिति की चेयरपर्सन ने भी अपने अपने लोगों की भर्ती कर ली है, तभी तो इस प्रक्रिया की भनक भी नहीं लगने दी। कुलदीप कुमार ने कहा कि सैकड़ों पार्क हैं जहां धूल उड़ती रहती है। निगम अधिकारियों को इस व्यवस्था पर गंभीरता से मनन करना चाहिए कि शीघ्र सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। माल्यों की भर्ती में हुई गड़बड़ी के मामले को लेकर उद्यान समिति की चेयरपर्सन कर ली, हम भी चाहते हैं माल्यों की भर्ती हो। पहली बात तो आपने जो प्राइवेटाइजेशन को हम जिसकी हम मांग हमेशा ठुकराते रहे उसको आपने बढ़ावा दे दिया एक तरफ तो, और दूसरी तरफ आप बैकडोर से 50 माल्यों की भर्ती करके लेके आ रहे। ये नहीं पता उनकी भर्ती कैसे हुई, वो अपॉइंटमेंट कमेटी में आई या नहीं आई, वो हाउस में आई या नहीं आई, वो स्टैंडिंग कमेटी में आई या नहीं आई, ये नहीं पता लगा किसी को। एमसीडी में गफा उड़ गई कि 1,00,000 रुपए देके माली भर्ती हो गई एमसीडी के अंदर। मतलब आप एक तरफ से उसमें कौन कौन अधिकारी इन्वॉल्व है, मैं तो आपसे कहता हूं कि आप निष्पक्ष जांच कराइए उसकी। अगर आप नहीं करा पाएंगे तो एसीबी में जाएंगे उसकी जांच के लिए। जो 50 लोगों की आपने भर्ती करी है बैकडोर से, वो आपने कैसे कर ली बैकडोर 50 लोगों की भर्ती, और आपने कौन से नियम के तहत कर ली वो भर्तियां, आपको बताना चाहिए। आप तो यहां पर कंपनियों को थोपने का काम कर रहे हैं। आप एमसीडी के पार्क नहीं संभाल पा रहे हो, हर किसी को प्राइवेट को दे दोगे आप। अगर पार्क एंड गार्डन सोसाइटी ना हो तो ये निगम चलना बदतर हो जाए इसकी हालत को। जी जुगनू जी, क्या कुछ आरोप पर कहना आपका? बजट बैठक के दौरान आज विपक्ष द्वारा जो आरोप लगाए गए मालियों की भर्ती को लेकर, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये भर्ती एमटीएस के थ्रू हुई है। अगर इसमें घोटाला हुआ है तो इसकी जांच की जाए।